दुनिया में खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगह खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। यहीं एडवेंचर में यकीन रखने वाले कुछ ट्रेवलर्स खतरनाक से खतरनाक जगह जाने से भी नहीं हिचकते, लेकिन आज हम आपको 6 ऐसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने का मतलब है वापस लौट कर नहीं आना। इन जगहों की तस्वीर इतनी खूबसूरत होते हैं कि आदमी किसी भी तरह यहाँ आए बिना नहीं रह पाएगा, मगर इन जगहों की कहानी ऐसी है कि वहाँ जाने की हौसले को ख़त्म कर दे। आज हम आपको दुनिया के ऐसे 6 जगहों के बारे में बताने वाले हैं। हर्ड आइलैंड बोलकैनो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, हर्ड बोलकैनो पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन हर्ड आइलैंड वोल्केनो बेहद खतरनाक जगह है। ये दुनिया के वो एक लौते जगह है जहां ज्वालामुखी और बर्फ दोनों एक साथ हैं। साल 2000 में यहां का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और चारों तरफ आग की नदियां बह रही थी। बर्फ की चादर के बीच निकलते आग की नदी कुदरत के करिश्मे से विश्व का वाकिफ करवा रही थी, मगर यह एहसास भी दिला रही थी कि यह जगह कितना ज़्यादा खतरनाक है। साल 2000 में लावा फूटने के बाद से इस वोल्केनो को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ पक्षी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ जाने वाले लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राज़ील। स्नेक आइलैंड ब्राज़ील जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि यहाँ सांपों का बसेरा है। समुंदर में इस आइलैंड पर जाना मतलब स्वर्ग का दीदार करना है, लेकिन खतरनाक सांपों के वजह से इस आइलैंड पर लोगों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। 43 हेक्टेयर में फंसे इस आइलैंड को दुनिया के खतरनाक जगहों में एक माना जाता है। ब्राज़ील सरकार के मुताबिक यहाँ पर हर 5 मीटर पर एक जहरीला सांप आपको मिल जाएगा। ब्राज़ील सरकार के मुताबिक इस द्वीप पर 4000 से ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं और ये सांप अगर किसी को काट ले जिंदा रहना नामुमकिन होता है। ब्राज़ील सरकार ने स्नेक आइलैंड पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ सिर्फ बायोलॉजिस्टों को जाने की इजाज़त मिलती है, वो भी हमेशा नहीं। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड अंडमान निकोबार। भारत का नॉर्थ सेंटिनेल द्वीप पर भी लोगों के जाने पर पाबंदी है। यहाँ किसी भी हाल में कोई भी यात्री नहीं जा सकता है। भारत सरकार ने लोगों को यहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी है। चारों तरफ जंगल के बीच स्थित इस द्वीप पर जाना भी नामुमकिन ही है। हेलीकॉप्टर से यहाँ जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ की परिस्थिति हेलीकॉप्टर को यहाँ उतरने की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ काफ़ी प्राचीन जातियाँ निवास करती हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया के लोगों की एंट्री बैन कर रखी है। आदम जाति के लोगों ने 2 साल पहले एक अमेरिकन यात्री की भली से हत्या कर दी थी। यहाँ की जनजाति बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखती है। भारत सरकार इन जनजातियों को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, लिहाजा यहाँ पर किसी भी आदमी को जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। लास्कास्क गुफाएं, फ्रांस। फ्रांस में स्थित लास्कास्क गुफा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर सम्मान दिया है, लेकिन 2008 से ही लास्कास्क गुफा में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। खूबसूरती और नक्काशी के लिहाज से इस गुफा को अद्वितीय माना गया है। इस गुफाओं में प्राचीन काल में ही जानवर के बहुत कठिन और सुंदर चित्र बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 2008 में गुफा में अचानक फंगस लगना शुरू हो गया है और कई तस्वीरें पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके बाद इस गुफा को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। अब इस गुफा में सिर्फ इतिहासकार और वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए एंट्री दी जाती है। पोबेलिया, इटली। इटली में स्थित पोबेलिया देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस जगह को काफ़ी डरावना माना जाता है और इसलिए इटली सरकार की तरफ से यहाँ जाना प्रतिबंध है। एक वक्त
यहाँ प्लेग के शिकार मरीजों को क्वारंटाइन करके रखा जाता था और माना जाता है कि इस मकान में प्लेग के हजारों मरीजों की मौत हो गई थी और फिर पोबेलिया की गिनती भूतिया जगह की तौर पर होने लगी। ये जगह इतना डरावना बन चुका है कि कोई भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती। पोबेलिया में एक किला भी है और यहाँ पानी की जहाज़ों के आने के लिए पोर्ट भी बना हुआ है। 1968 तक यहाँ सब कुछ ठीक था, मगर धीरे धीरे ये जगह खतरनाक डरावना होता चला गया। पोबेलिया किला को दुनिया का सबसे ज़्यादा डरावना जगह कहा जाता है। ग्लोबल सीड वर्ल्ड, नॉर्वे। नॉर्वे का ग्लोबल सीड वर्ल्ड सूची का आखिरी सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ भी लोगों का आना प्रतिबंध है। नॉर्थ पोल से इस जगह की दूरी सिर्फ 800 मील है। इस जगह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्वे ने इस ग्लोबल सीड वर्ल्ड को आर्कटिक में सालवर्ल्ड द्वीप पर बसाया है। यहाँ -18 डिग्री सेल्सियस तापमान में दुनिया भर के तमाम बीजों की संरक्षता की जाती है। इस सीड वर्ल्ड की 2 अरब से ज़्यादा है और यहाँ करीब 2 लाख सीड्स के सैंपल्स को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा ग्लोबल सीड वर्ल्ड दुनिया भर के 1700 से ज़्यादा जीन बैंकों के लिए बैकअप का काम करता है। 11,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस क्षेत्र में आम लोगों का जाना वर्जित है और सिर्फ वैज्ञानिक ही यहाँ जा सकते हैं।